यूपी में मोदी के साथी से भिड़े योगी आदित्यनाथ, अनुप्रिया पटेल और योगी आमने सामने। चुनाव से पहले खींची तलवारें बढ़ा सकती हैं दिक्कत। आपसी खींचतान से विपक्ष को मिल सकता है फायदा। देखिए किस मुद्दे पर आमने सामने आए योगी और अनुप्रिया। आखिर किस वजह से नहीं बन पा रहा दोनों में तालमेल। आखिर सोशल मीडिया की जंग मैदानी जंग कैसे बनी। देखिए क्यों एक दूसरे के समर्थक जुबानी जंग में भिड़े। यूपी की सियासत तो शुरू से ही जातियों में उलझी रही है। सभी पार्टियों के अपने अपने वोट बैंक हैं। इनमें यूपी के 12% कुर्मी भी काफी असरदार हैं। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है, लेकिन 2022 से विधानसभा चुनाव सामने आने के बाद एक बार फिर बीजेपी ने इसके लिए रस्साकसी तेज कर दी है। यही वजह है कि पहले अनुप्रिया पटेल को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई और अब बीजेपी ने प्रतापगढ़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम अपना दल एस के संस्थापक सोनेलाल पटेल के नाम पर रखने का फैसला किया है। यूपी में अभी कुर्मी वोट बैंक की राजनीति करने वाली अपना दल एस बीजेपी के साथ है। इसके बाद भी बीजेपी कुर्मी वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए नामकरण की राजनीति में लगी है। हालांकि प्रतापगढ़ में स्थानीय स्तर पर बीजेपी के अपने ही लोगों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। जातीय समीकरण के हिसाब से यूपी की विधानसभा सीटों को देखें तो प्रदेश की 32 विधानसभा सीट और 8 लोकसभा सीट पर कुर्मी वोटों का कब्जा है। ये सीटें पूर्वांचल और मध्य यूपी की हैं। हालांकि 2017 विधानसभा चुनावों में इनमें से ज्यादातर सीट बीजेपी के पास ही हैं, लेकिन 2022 विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी इन सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। दरअसल यही वजह है कि मोदी कैबिनेट विस्तार में अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद दिया गया, साथ ही अब प्रतापगढ़ में सोनेलाल पटेल के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। यूपी में ये सभी जानते हैं कि जिस पार्टी के साथ पिछड़े खड़े हो जाएं, उसकी सरकार बननी तय है, लेकिन पिछड़ी जातियां भी अब लामबंद हो रही हैं। पहले एकजुट नहीं हुआ करती थी। यूपी में अभी लगभग 42-45% पिछड़ी जातियों की आबादी है। इनमें से 9-10% यादव हैं, जो सपा का परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में कुर्मी, लोधी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा और मौर्य ही मजबूत माने जाते हैं, जिसमें से बीजेपी की नज़र सबसे मजबूत कुर्मी वोट बैंक पर टिकी है। 2014 में बीजेपी से अपना दल एस गठबंधन के बाद प्रतापगढ़ में अपना दल एस का सांसद बना। साथ ही 2017 विधानसभा चुनावों में भी पार्टी ने जिले में 2 सीटें जीती। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में ये सीट अपना दल के हाथ से निकल गई और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को यहां से जिताया। लेकिन यहां बीजेपी के राजनीतिक क्षत्रपों को सोनेलाल पटेल के नाम पर बन रहे मेडिकल कॉलेज के नाम पर ऐतराज है। बीजेपी के शीर्ष नेता इसे चुनावी नजरिए से देख रहे हैं, जबकि प्रतापगढ़ में कुर्मी वोट बैंक किंग मेकर है। प्रतापगढ़ के बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी ने भी सरकार के विरोध में अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज का नाम बदला जाए। उन्होंने सीएम योगी को पत्र भी लिखा। वहीं सबसे पहले इस मामले में आवाज उठाने वाले बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्रा सौरभ कहते हैं कि हमें ये बताया जाए कि आखिर सोनेलाल पटेल का या अपना दल एस का प्रतापगढ़ के विकास में यहाँ क्या योगदान रहा है। उन्होंने कहा, प्रतापगढ़ की भूमि ना तो सोनेलाल पटेल की जन्मभूमि रही है, ना ही कर्मभूमि है। ऐसे में यहाँ मेडिकल कॉलेज का नाम अपना दल एस के संस्थापक के नाम पर क्यों किया जा रहा है। अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी आशीष पटेल ने पूर्व विधायक पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि सोनेलाल पटेल पर टिप्पणी करना सूरज पर थूकने जैसा है। प्रतापगढ़ में बन रहे सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज का नाम का जब से ऐलान हुआ है, तब से ही हंगामा हो रहा है। कई संगठनों ने एक साथ मिलकर शहर में जोरदार नारेबाजी भी की है। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य संगठन भी शामिल हैं। इन सब का कहना है कि जब सोनेलाल पटेल का प्रतापगढ़ से कुछ लेना देना नहीं है, तो उनका नाम हम पर क्यों थोपा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस का विरोध सिर्फ प्रतापगढ़ में हो रहा है। अभी हाल ही में बीते जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी यही स्थिति देखने को मिली। गठबंधन धर्म के तहत अपना दल एस को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जौनपुर और भदोही की सीट दी गई थी। हालांकि जौनपुर में बीच चुनाव में अपना दल एस के स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के स्थानीय नेता मदद नहीं कर रहे, जिसके बाद अंतिम समय में अपना दल एस ने निर्दलीय प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया।
अब प्रतापगढ़ में जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं वो हालात आपसी टकराव के संकेत दे रहे हैं। अपना दल एस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेता स्थानीय स्तर पर सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के तमाम स्थानीय नेताओं का कहना है कि सोनेलाल पटेल का प्रतापगढ़ में कोई योगदान नहीं रहा है, इसलिए मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर नहीं होना चाहिए। हालांकि मोदी की साथी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ योगी के समर्थकों के खड़े हो जाने से इस जंग को योगी मोदी की जंग का नाम दिया जा रहा है। और विपक्षी दलों का कहना है कि योगी ने अगर मोदी की साथी से पंगा लिया तो योगी का पत्ता साफ हो सकता है। अब देखना यह है कि प्रतापगढ़ की ये सियासी जंग उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाती है और कैसे सोनेलाल पटेल के नाम पर बन रहे मेडिकल कॉलेज को आगे अस्तित्व में लाया जाता है, क्योंकि जिस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है वो विरोध कई टकराव के संकेत दे रहा है और ये टकराव सत्ताधारी पार्टी के अलावा गठबंधन दल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि ये अगर नुकसानदेह साबित होगा तो फायदा किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।